देखिए आज की वीडियो के अंदर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बैडमिंटन के अंदर हम शटल कॉर्क यूज़ करते हैं जो कोनिकल शेप में होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो इसका बैक पोर्शन होता है इसकी डेंसिटी इस पोर्शन के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या होता है कि जब हम इस पर बैडमिंटन उससे रैकेट से फोर्थ लगाते हैं तो इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है और हाइएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद ये अपनी मोशन को फ्लिप कर लेती है, जिससे कि जब यह दूसरे प्लेयर पर पहुंचती है तो फिर से यही पोर्शन रैकेट पर पहुंचता है। यानी ट्रेजेक्ट्री किस तरह से बनती है, देखिए इस तरह से चली है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद इसने अपनी मोशन को फ्लिप कर लिया, बदल लिया, और हाईएस्ट दूसरे प्लेयर पर जब यह पहुंचती है तो रैकेट से इस पर फोर्स लगा दिया जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।